नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप वीडियो में देख पा रहे हैं स्वराज का एक मेगा सर्विस कैंप अमरपुरा जाटान सूरतगढ़ में। तो यहां ग्रामीण वासियों को एक ये कैंप की सुविधा दी गई है जिसमें सर्विस फ्री रहेगी। सर्विस में मतलब लेबर सर्विस है वो फ्री रहेगी। मटेरियल पे कितने परसेंट की डिस्काउंट है अगर आप यहाँ आके सर्विस कराते हैं। तो ये ग्रामीणों को सुविधाएँ दी गई है गाँव में आके, ताकि आपको शहर में ट्रैक्टर ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका समय बच जाएगा और आपका डीजल बच जाएगा आना जाना है वो। तो अभी वीडियो में देख पा रहे हैं तकरीबन नज़दीक के गाँव के दो तीन चार गाँव के ट्रैक्टर आए हुए हैं और 30-35 ट्रैक्टर यहाँ मौके पे खड़े हैं। जहाँ तक मेरा अनुमान है 37 ट्रैक्टर हैं। तो अपने साथ हैं जो कंपनी के सीनियर सिटीजन अधिकारी हैं, उनसे अपने पूछेंगे, बॉस आप ये बताओ कि ये कैंप का आयोजन पूरे भारतवर्ष में होता है या अलग अलग स्टेटों के अनुसार है? ये स्टेट वाइज है। अभी हम लोग जो कर रहे हैं ये अभी राजस्थान वेस्ट। ठीक है। हाँ, तो टोटल राजस्थान वेस्ट में भी हमारे 52 डीलर्स हैं। ठीक है, जहाँ पर टोटली सभी डीलर्स पे ही हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो ये सर्विस कंपनी की तरफ से है या डीलर की तरफ से है? ये सर्विस डीलर कंपनी दोनों मिलके कर रहे हैं। ठीक है। इसमें मतलब बराबर आपको लेबर फ्री है, स्पेयर पार्ट्स पर डिस्काउंट है 5%, 10%, 5% ऑयल पर डिस्काउंट है। ठीक है ना, ये चीज़ है। तो इसमें जो ट्रैक्टर हैं वो स्वराज कंपनी का होना ज़रूरी है और ओल्ड चाहिए कितना ही मॉडल हो? नहीं, और बाकी में हमारे पास हो सकता है कि स्पेयर अवेलेबल ना हो एट प्रेजेंट, बाकी हम सर्विस कर सकते हैं तो कोई भी आ सकता है, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि हम स्वराज को ही कर रहे हैं, बट मेन हमारे लिए स्वराज। ठीक है, अगर दूसरा कोई कंपनी का ट्रैक्टर हर ग्रामीण आना चाहे तो सर्विस आप लेबर फ्री? हमारा काम है सर्विस, तो सर्विस के लिए कोई भी मॉडल हो हम लोग सर्विस करेंगे, मतलब उसे हम लोग सेवा दे रहे हैं। स्वराज जब से बना है तब से स्वराज की आज तक का कोई सा भी मॉडल हो चाहिए, कोई सा मॉडल, कोई गारंटी पीरियड से कोई मतलब नहीं? कोई गारंटी पीरियड से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, टोटली ये हमारा मतलब फ्री सर्विस कैंप है, वो चाहे हमारा पुराना ट्रैक्टर है ऑटो वारंटी है या वारंटी में, उससे कोई लेना देना नहीं है हमारा। ठीक है, हम सर्विस दे रहे हैं, मतलब फ्री सर्विस कैंप है। तो ये आपके जो कैंप का आयोजन हो रहा है उसका आप पहले एडवर्टाइजमेंट या प्रचार कहीं करते हो? बिल्कुल, पहले तैयारी होती है, हम लोग कस्टमर्स को इन्विटेशन कार्ड देते हैं और अपना कॉलिंग करते हैं, उनको बुलाते हैं। अच्छा, जिन जिन के पास स्वराज आपने सेल किया उनको सभी को आप कॉल करके बताते हो? यस, हमारे उन्हीं का डाटा होता है जो हमारे ये कस्टमर हैं जिनको हमने ट्रैक्टर दिए हैं। ठीक है, yes। तो हमारे साथ हैं स्वराज के यहाँ एजेंसी डीलर जयमल भाई, अपने इनसे भी बात करेंगे। तो जयमल भाई, आपने आज तक इस तरह के कितने कैंप आयोजन करवा दिए? अब तक लगभग 8-10 कैंपों का आयोजन हो गया है। और आप पिछले लंबे समय से स्वराज को डील कर रहे हो, तो आपने कितने ट्रैक्टर हैं क्षेत्र में सेल किए हैं अभी तक? हमारी डीलरशिप पे लगभग 400 के आसपास ट्रैक्टर सेल हो गए, 2-2.5 साल हमें काम करते हुआ है स्वराज के साथ। तो पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा कि आपने क्षेत्र में स्वराज ही स्वराज कर दिए हैं, तो टाइम टू टाइम सर्विस भी आप दे रहे हो। तो आजकल क्या है कि डीलरों की वजह से शिकायत बहुत आती है, लेकिन आपका यानी जैसे कि मैं देख रहा हूँ गाँव में मान सम्मान भी आपका पूरा है, ट्रैक्टर भी आपने अच्छे खासे सेल कर दिए हैं, तो पकड़ भी आपकी पूरी है, ऐसी बात नहीं है। सबका सहयोग है, सबका सहयोग है। तो अब अगला नेक्स्ट कैंप कहाँ आयोजन होने जा रहा है, कोई है अंदाजा? गोपालपुरा के आसपास कहीं कैंप लगाएंगे। कब लगाओगे ये तारीख डिसाइड करते हैं, बार देखते हैं। जब भी डिसाइड करेंगे मुझे जरूर सूचना दें ताकि फार्मर्स को सूचना मिले। तो एट ए प्रेजेंट टाइम में आप वीडियो में ट्रैक्टर देख पा रहे हैं, अगर आप मैं धीरे धीरे कैमरा को चारों तरफ घुमा देता हूँ, अगर आप काउंटिंग भी करना चाहें तो आप काउंटिंग भी कर सकते हो। तकरीबन 37 ट्रैक्टर यहाँ मौके पर खड़े हैं और ग्रामीणों को विशेष सुविधा ये मिली है कि यहाँ बिना डीजल खपत आना जाना, यानी कि घर पे बैठ के घर की सेवा मिल गई है, जो कि बहुत ही बढ़िया और बेहतरीन सर्विस दे रहे हैं स्वराज। वीडियो ठीक ठाक लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।